दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमेशा पढ़ाई के वक्त ही हमारा मन डिस्ट्रैक्ट क्यों होने लगता है? पढ़ते समय आखिर ऐसा क्या होता है कि अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है? आखिर वो वजह कौन सी है जिसके कारण पढ़ाई करने के लिए हमें फोकस करना पड़ता है? दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई और खेलने के वक्त सिर्फ खेलना चाहिए। लेकिन सिर्फ खेलने के टाइम पर हम खेल तो बड़ी आसानी से लेते हैं, लेकिन पढ़ाई की बारी आती है तो फिर हमारा मन नहीं करता और इसलिए पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना मुश्किल टास्क लगने लगता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मुश्किल टास्क को आसान बनाने वाले सॉल्यूशन की, कि कैसे हम अपनी पढ़ाई को अपना 100% दे सकते हैं ताकि हमको एग्जाम से ठीक पहले पैनिक ना होना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टिप्स की जो आपको मदद करेंगी आपकी पढ़ाई में। दोस्तों, दुनिया में समय से बड़ी कोई चीज नहीं है। जो समय को अपनी मुट्ठी में लेकर चलता है वो न केवल एग्जाम में बल्कि जिंदगी की हर फील्ड में टॉप करता है। दोस्तों, क्या आप भी पढ़ाई के लिए टाइम शेड्यूल बनाते हैं? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट दिन में 6 से 10 घंटों का लंबा टाइम टेबल बना तो लेते हैं, लेकिन उसमें अपने लिए ही टाइम देना भूल जाते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि इस एक दिन में ही सारा पढ़कर एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। दोस्तों, पढ़ाई को समय देना जितना जरूरी है, उसमें से कुछ वक्त अपने लिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी बिताकर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से हम पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और इससे हम लगातार अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। नो योर पीक आवर्स। दोस्तों, स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना फायदेमंद रहता है या रात में, लेकिन दोस्तों, इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका अपना पीक टाइम क्या होता है। यानी कुछ लोगों को सुबह उठकर पढ़ना पसंद है, तो उसी समय वो स्टूडेंट जो रात भर पढ़ाई करते हैं वो स्टूडेंट सुबह सो रहे होते हैं। आप भी अपना पीक टाइम, अपना बेस्ट टाइम पता करें और उसी समय को पढ़ाई करने में लगाएं। दोस्तों, इसीलिए जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे रोज पढ़ेंगे तो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। जरूरी ये है कि भले ही दिन में 4 घंटे भी आप पढ़ाई करें, लेकिन उस समय अपना 100% दें और इसके लिए आपको एनर्जेटिक होना जरूरी है। इसीलिए आप अपने बेस्ट टाइम को चुनिए। दोस्तों, आप अपना पीक टाइम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने में विश्वास करते हैं या जब भी मन करता है आप पढ़ने बैठ जाते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। माइंडसेट। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए छोटे छोटे गोल बनाकर उनको अचीव करने और फिर इसके लिए खुद को ही रिवॉर्ड करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है और उसने अपना टारगेट बनाया कि आज उसको कोई चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आज कंप्लीट कर दिया तो वो अपना फेवरेट गेम खेलेगा। दोस्तों, इस तरह के माइंडसेट को कई पेरेंट्स भी अपनाते हैं, जिससे बच्चों को एक रिवॉर्ड नजर आने लगता है, जिससे उनको अपना टारगेट पूरा करने में मोटिवेशन मिलने लगता है। तो आप भी इस टिप्स को अपना सकते हैं, जिससे आपको एक इंटरनल मोटिवेशन के साथ साथ एक एक्सटर्नल मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। चैलेंज योरसेल्फ। दोस्तों, एक स्टूडेंट की फाइट किसी दूसरे स्टूडेंट से नहीं बल्कि खुद से होती है, क्योंकि अगर आपने अपने पिछले रिकॉर्ड को सुधारा है तो आप दूसरे स्टूडेंट से आगे तो निकले ही हो, बल्कि आपने खुद को भी रिजल्ट में प्रोग्रेस दिखाई है। इसीलिए दोस्तों, खुद को चैलेंज देते रहिए कि आज मुझे ये टारगेट अचीव करना है, और कभी भी खुद को किसी से कंपेयर ना करें। स्टडी वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी टिप्स तो आपने बता दी, लेकिन पढ़ाई के चारों ओर पैर पसारे इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करें, इनसे छुटकारा कैसे पाएं? दोस्तों, आज के समय में मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर परेशान है किसी चीज से तो वो है सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंटरनेट जैसे डिस्ट्रैक्शन से। दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप भी अपना स्टडी का समय सोशल मीडिया, यूट्यूब पर खर्च कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाकर इन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। दूसरा, आप इन ऐप्स को यूज करना एक रिवॉर्ड की तरह बना सकते हैं कि अगर मैंने अपना टारगेट पूरा किया तो ही मैं इन ऐप्स को यूज करूंगा। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हुए भी टॉप करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हुए भी टॉप कर लेते हैं। इसीलिए आप पर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया के साथ जाना चाहते हैं या नहीं। कंप्लीट स्लीप। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स जिस दिन पढ़ने बैठते हैं उस दिन तो दिन रात एक कर देते हैं। उनको लगता है कि जब आज मन लग रहा है तो आज ही सब डाउट क्लियर कर लेता हूँ, और इस बीच वो अपनी पूरी नींद लेना भी भूल जाते हैं, जिससे अगले दिन या तो बीमार हो जाते हैं या उनका फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो है हमारी नींद। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आपकी नींद पूरी होती है तब आपका मन पढ़ाई में लगा रहता है, लेकिन जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती तब आपको पढ़ाई करते करते झपकी आने लगती है। इसीलिए आपका पढ़ाई का समय जो भी हो, लेकिन दिन में पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट। दोस्तों, जिस तरह स्टूडेंट को अच्छी नींद लेना जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है समय पर हेल्दी खाना खाना। दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते सुना ही होगा कि हमारा बच्चा या मेरा कोई दोस्त, मेरा भाई इतना पढ़ता है कि वो खाना खाना भी भूल जाता है। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो इतना पढ़ना भी होशियारी नहीं बल्कि बेवकूफी है, क्योंकि इससे शायद आपके मार्क्स तो अच्छे आ जाए, लेकिन उन अच्छे मार्क्स को सेलिब्रेट करने के लिए आपकी बॉडी तैयार ही नहीं होगी, और लगातार ऐसा करने से कई गंभीर बीमारी भी होने का खतरा रहता है। इससे कभी कभी आपकी जान भी खतरे में
पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना, हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। इसीलिए समय पर नींद, अच्छा खाना और पढ़ाई, इन तीनों चीजों में संतुलन बनाकर रखिए। यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। गुड फ्रेंड्स। दोस्तों कहा जाता है कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन सिर्फ एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। इसीलिए आप अगर कितना भी पढ़ाई कर लें, अगर आपका कोई एक अच्छा दोस्त नहीं है तो वो सभी बातें जो आप अपने दोस्त से शेयर कर सकते थे वो आपके मन में ही रह जाएंगे, जिससे आपको पढ़ाई में तो समस्या होगी ही, साथ ही आपको स्ट्रेस फील होगा। इसीलिए अपनी स्टडी टिप्स में इसको भी नोट करके रखिए कि भले आपका फ्रेंड सर्कल ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कुछ दोस्त जरूर ऐसे बनाइए जो आपको डीमोटिवेट होने पर मोटिवेट भी कर सके। गिव सम टाइम टू योर हॉबी। दोस्तों कुछ लोगों की एक खास बात होती है कि जब उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो स्केच बनाने लग जाते हैं, कोई क्रिकेट खेलने चला जाता है तो कोई अपनी मनपसंद किताब पढ़ने लग जाता है, ना कि वो चिंता करने बैठ जाते हैं कि आज हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। इसलिए दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ किसी हॉबी का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो डिफिकल्ट समय में जब हमारी तबीयत सही ना हो या फिर हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तो हम बीच में अपनी हॉबी के साथ समय व्यतीत कर सके, ताकि जब हमें अच्छा लगे तो फिर अपनी स्टडीज पर लौट सके। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक हॉबी जरूर चुने, रिविजन पर ध्यान दें। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम से ठीक पहले नए नए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा करना बेवकूफी है, क्योंकि एग्जाम के समय हमारे पास बहुत कम समय होता है। ऐसे में हमें पहले से पढ़ा हुआ रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ नया कंटेंट पढ़ते हैं तो भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए एग्जाम से ठीक पहले हमें ज्यादा कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना चाहिए। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतने कम समय में तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने सिलेबस को उठाकर उसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को सेलेक्ट कीजिए और फिर उसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस तरह आप बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते, लेकिन आसानी से पास जरूर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो आपकी स्टडीज में हमेशा मदद करेंगी। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाने के लिए एक स्टूडेंट को और क्या करना चाहिए, कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ये भी बताइएगा।